हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवर साइड ट्रेवलर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपके दोस्तों को भी। सभी खुश रहिए और मेरा चैनल यूं ही देखते रहिए। और आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको जब हम लोग एट सी रहते हैं तो कैसे ब्यूटीफुल सनसेट होता है वो दिखाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसके बाद कल का सीन दिखाऊंगा, आप सीन दिखाऊंगा जब साउथ एम्पटन में होंगे हम, कैसे हम लोग डॉग वॉक करते हैं। उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाने वाला हूं आपको, बहुत ही अच्छी गाइस ब्यूटीफुल जगह ले जाऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो आप ये सनसेट देखिए और फिर बताता हूं मैं आपको कि कहां ले जाते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज इंजॉय द ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ। छोटे छोटे दिख रहे हैं वो छोटे वाले बोट टाइप, वो उसको पुल कर रहे हैं तो उतना बड़ा टैंकर है वो। टैंकर क्या, सॉरी सिप, कार्गो वाला ऐसा ही। उसको देखिए दो, एक वो है एक उसके पीछे है, वहाँ से दिख रहा है। यहाँ से नहीं दिखे, यहाँ से दिखेगा। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ अभी थोड़ा हाइट हो रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। वैसे करके देखो, वैसे करके पुल करते हैं। जो नए वाले शिप होते हैं उनमें तो अपने आप ही हो जाता है, जो पुराने वाले शिप होते हैं ना, जैसे कार्गो वाला पुराना है, टैंकर एंकर ये हो गई, तो इसमें ना स्पेशली वो होती हैं जैसे गाड़ियाँ आड़ियाँ ना, वो भी सप्लाई होती हैं, पीछे से खुला रहता है इनका वो। और एक दूसरा यहाँ पर है, इसमें भी गाड़ियाँ जाती हैं। जा रहा है फिर ये पीछे वाला फ्लो हो जाएगा, ये आगे वाला घूमेगा पूरा। देखिए इतना ये ऐसा हो गया जैसे चीटी नहीं उठाता अपने से कितना भारी वजन उठाता है ना, सेम वैसे ये लगा लो, इतना बड़ा शिप है वो और उसको दो छोटे छोटे चीटी जैसे वो बोट है वो पुल कर रहे हैं, बट वो बहुत हैवी होता है उनका इंजन। लग गया वो तो घूम रहा, ये वाला इस तरफ आ गया, थोड़ी सी हेल्प करेगा ये, मतलब थोड़ा सा ना डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, बस सेम वैसे ही है वो घूम रहा है, उसको थोड़ा सा मतलब हेल्प करने के लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा करके। फिर देखो यहाँ से पुल करने लग गया ये, क्योंकि उस तरफ जाएगा ना, जाने लग चुका है अपनी साइड को ये, और एक आगे से एक पीछे से देखिए अभी भी हल्का हल्का सा उसको पुश कर रहे हैं, हल्का हल्का सा जैसे सपोर्ट चाहिए होगा तो तब कर रहे हैं, तो अपनी स्पीड में आ जाएगा तो फिट नहीं हो जाएगा। ये उसी के लिए जो इतनी कार्स और यहाँ पर ये जेसीबी सब आ रखी है ना ये, हाँ ये देखिए तो इसमें यही आते हैं, कार्स ट्रक ये वो सब आते हैं। अब दोस्तों हमारी बारी है, तो ये टग है, इसको ना टग बोलते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होता है, तो ये शिप को पुल पुश करता है, थोड़ी सी हेल्प करता है मतलब डायरेक्शन देने में। और बाकी देखिए कितना प्यारा शिप है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 3,000-3,500 लोग होंगे आएंगे इसमें, अभी तो कब से खाली खड़ा है। बाकी देखिए नीचे कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स है, ये हैं काफ़ी सारे बर्ड्स हैं उधर, अभी दिख नहीं रही हैं यहाँ से, छोटी बड़ी सब बर्ड्स हैं। और ये देखिए टग, ये पूरी चोट लगा के खींच रहा है, मेरे ख्याल से एक फ्रंट साइड से भी कोई पुश कर रहा होगा। बाकी शिप का इंजन भी चल रहा है साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि शिप का इंजन नहीं चल रहा है। देखिए जो मूवमेंट हो रहा है, पानी देखिए नीचे से, क्योंकि बड़े बड़े फैन होते हैं, हम वहाँ पर जाएंगे। देखिए एक शिप मूव हो रहा है, फिर हमें यहाँ से वहाँ पर जाना है आज, तो फिलहाल तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो साउथहैम्पटन में यही चलते रहता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से, क्योंकि कोविड की वजह से सब बंद पड़ा है तो हम भी यहीं पर अटके। ठीक है तो फिर ऐसे ही इधर उधर चलते रहो। ये देखिए टग पूरी जोर लगा के खींची रहा अपनी तरफ से, बहुत पावरफुल होता है। इतना बड़ा शिप ऐसे पुल नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मतलब कि शिप का इंजन चालू है तो फिर कर ही लेते हैं। ये शिप भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल शिप। तो फाइनली दोस्तों ये अराउंड 2 किलोमीटर का सफ़र करने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया है, और अभी हम पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पर रुकेंगे हम, फिर कल चलेंगे यहाँ से। ठीक है अभी यहाँ पर पहुंच गए, देखिए आप ये काफ़ी बड़ा कार्गो शिप है, उसके पीछे फिर एक क्रूज शिप है, यहीं पर ही लगेंगे हम, यहाँ पे मतलब
इस तरफ तो सारा कार्गो कार्गो का है, आगे काफ़ी अच्छा टर्मिनल है, बहुत ही सुंदर टर्मिनल है। और देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है यहाँ पर साउथहैम्पटन में, और बहुत ही हवा चल रही है, बहुत तेज हवा। Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way. आज बहुत ही विंडी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए सिर्फ कोई विंड से थोड़ा सा फोर्स मिल रहा होगा ना, तो ये देखिए टग इस तरफ खड़ा है इसको थोड़ा, क्योंकि मतलब ज़्यादा विंडी है तो सिर्फ कहीं एक साइड को ना हो जाए करके ये टैग मतलब उसको सीधा कर रहा है। पर मैं अपना मोबाइल यहाँ से नीचे से कर रहा हूँ, अगर यहाँ से गया मेरा मोबाइल नीचे तो फिर मिलना मुश्किल है, बस फिर तो मच्छी ही बात करेंगे मोबाइल से पानी में, और वही देखेंगे मेरी वीडियो। आप लोग तो देखने से रहे अगर गिर जाएगा तो बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ा जहाँ पर पकड़ना पड़ता है, वैसे और जगह भी है लेकिन कभी कभी ऐसे व्यू दिखाने के लिए ये वाला भी यूज़ करना पड़ता है मुझे। कितने सारे बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, और बाकी किसी को ट्रैक्टर वैक्टर जेसीबी लेना हो तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर जेसीबी और कार्स भी हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं वेमोथ, ये इंग्लैंड में ही एक इतनी प्यारी सी जगह है, आपको दिखाता हूँ मैं कितना प्यारा नज़ारा है पीछे का। तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ कैस्टल हैं बहुत पुराने, एक तो ऊपर टॉप में है वो, और वहाँ से स्टार्ट होते हैं देखना, एक ऊपर में हो यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं बहुत जूम कर दिया, एक आदमी बोटिंग कर रहा है यहाँ पर, काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बोट चल रही, इतना सुहाना मौसम हो रहा है, ऊपर ही पहाड़ टाइप में, और ये काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं, इनमें घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए तीन कैसल हैं यहाँ पर, एक ऊपर में रेड वाला है, फिर दोनों साइड साइड में, बाकी नीचे बीच है, अभी मैंने बाइनोकुलर से देखा था ना, तो उससे दिखा था मुझे कि लोग नीचे बीच में मतलब ऐसे गेट टुगेदर करते हैं, ज़्यादा नहीं, जैसे मतलब हर फैमिली आई होगी, एक एक फैमिली आई होंगी ना, चार पांच लोग हैं, तो ज़्यादा क्राउड नहीं है, जितने घर हैं उसी हिसाब से हैं लोग, मतलब क्या पता बाहर के लोग हैं वहाँ का ये पता नहीं है, बट मतलब बहुत ही कम लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ 15-20 घर एक साथ हैं, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये, मतलब ऐसे खुली आँखों से देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, कैमरे में तो एकदम उतनी क्लियरिटी नहीं आ पा रही। और ये देखिए यहाँ पर मतलब फार्मिंग आर्मिंग के लिए इनका खेत है, और घर है, घर के पास इन्हें पेड़ पौधे इतने सारे लगा रखे हैं, तो मतलब गाइस पेड़ पौधे लगाना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि यहाँ देख के लग रहा है ना कि हाँ यार मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें क्या सभी को ही लगाने चाहिए, और तभी इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है, नहीं तो आई डोंट थिंक कि इतना प्यारा दिख पाता। प्लस इनके घर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है साफ़ सफाई है, इतने दूर से तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आई एम 100% की ये बहुत ही क्लीन जगह है, और बीच भी इतने प्यारे हैं यहाँ पर, पूरी देख रहे होंगे इतना पता चल जा रहा होगा कितना प्यारी जगह। Thank you.
Hi viewers, thank you so much for watching my full video. Please like, share और subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो. Hopefully आपको आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. Bye bye, take care, bye bye.